हास्यास्पद है, दो कारण है। पहला तो उनकी सरकार बनने नहीं जा रही, दूसरा पहले अपने घर से तो शुरुआत करें। परिवारवाद जो है, कौन लोग हैं उनके दल में, तो आप लोगों ने तो देखा ही, लिस्ट हमने गिनाया था। तो पहले अपने दल से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें, तय करें कि भाई जितने अलायंस पार्टनर्स हैं वो भी परिवारवाद वाले नहीं होंगे, और इनके बीजेपी के जितने नेता वो भी बेटा वालों को टिकट दे देंगे। तो इन लोगों का तो कोई मतलब नहीं रह गया। असल में इन लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है कि भाई ये लोग हार रहे हैं, हार मान गए ना, यानी वो मान रहे कि हमारी सरकार बनने जा रही है। दूसरी बात, 2,500 बहनों के साथ, 2,500 बहनों के साथ शोषण हुआ कर्नाटका में, करने वाला कौन? इन्हीं के साथी। पता चला कि भाई फरार हो गए, जर्मनी चले गए। इससे पहले महिला पहलवानों के साथ शोषण, प्रधानमंत्री चुप, और 2,500 हमारी बहनों के साथ शोषण हुआ, प्रधानमंत्री चुप। मणिपुर में जो हुआ जिस बहन के साथ, उस पर चुप। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री, वैसे लोगों का 2 दिन पहले 3 दिन पहले चुनाव प्रचार कर रहे थे। क्या मामला है भाई? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह इस पर बयान देते? क्यों नहीं कार्रवाई करते? ये तो बलात्कारियों को बचाओ बलात्कारियों को भगाओ वाला नारा हो गया।